एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में कैसे करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊं कि दो का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में कैसे करना है और दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में कैसे करना है। फिर हम ये भी सीखेंगे कि दो का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में कैसे करना है। इसके अलावा लास्ट में हम सीखेंगे कि क्या है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर हम दो का चार इस्तेमाल सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी कंसेप्ट को बारीकी से समझें। आइए सबसे पहले सीखें कि दो का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में कब करते हैं। दो का मीनिंग होता है हालांकि, और जब दो का इस्तेमाल हम सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम आल्दो के जगह पे करते हैं। यानी जब दो का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो इसका मीनिंग होगा हालांकि, और यह एक कंजंक्शन का काम करता है। हालांकि वाले सेंटेंसेज में जो दूसरा पार्ट होता है वो फिर भी से जुड़ा होता है, यानी पहले सेंटेंस के पहले आता है हालांकि, जबकि दूसरे सेंटेंस की शुरुआत फिर भी से होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि के लिए आप लिखेंगे दो, लेकिन फिर भी के लिए आपको देना पड़ेगा कॉमा। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हालांकि मैं चाय नहीं पीता, फिर भी मैं आज दो कप पी लिया हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दो आई डू नॉट टेक टी। यानी हालांकि मैं चाय नहीं पीता, आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां पर दिया है कॉमा। आई हैव हैड टू कप्स टुडे, यानी इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैंने आज दो कप पी लिया है। हो सकता है कि आप यहां हैड को लेकर कंफ्यूज हों, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव टेकन टू कप्स टुडे, यानी आज मैंने दो कप पी लिया है। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ, दो आई डू नॉट टेक टी आई हैव टेकन टू कप्स टुडे, हालांकि मैं चाय नहीं पीता लेकिन आज मैं दो कप पी लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सेंटेंस में हालांकि के लिए मैंने लिखा दो, जबकि दूसरे सेंटेंस की शुरुआत फिर भी से हुआ था, जिसके लिए मैंने दिया सिर्फ कॉमा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हालांकि माल्टा एक बहुत छोटा द्वीप है, यानी आइलैंड है, फिर भी इसका इतिहास बहुत पुराना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दो माल्टा इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड इट्स हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड। यानी हालांकि माल्टा एक बहुत छोटा आइलैंड है या द्वीप है, लेकिन इसका हिस्ट्री यानी इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में हालांकि के लिए लिखा दो, जबकि फिर भी के लिए दिया कॉमा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को आल्दो से भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चेंजिंग होगा। दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले जो आपने दिया है कॉमा, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा येट। जैसे आल्दो माल्टा इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड Yet, its history is very old. तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप आल्दो से भी बोल सकते हैं और दो से भी बोल सकते हैं। अगर दो से बोलेंगे तो आपको फिर भी के लिए कॉमा देना पड़ेगा, अगर आप आल्दो का इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी के लिए येट का इस्तेमाल करना होगा। आइए अब सीखें दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में कैसे करना है। जब दो का यूज सेंटेंस के लास्ट में होता है तो इसका मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद भी, यानी हाउएवर के सेंस में हम दो का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं दो एक कंजंक्शन है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं तो ये बन जाता है एक एडवर्ब। ये बात जानना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी था जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। अगर लिखा हो हमारी टीम हार गई, इसके बावजूद भी यह अच्छा गेम था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आर टीम लॉस्ट, यानी हमारी टीम हार गई। इट वॉज गुड गेम दो, यानी फिर भी या इसके बावजूद भी यह अच्छा गेम था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ खास बात बता दूं जिसका याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में करेंगे तो जो आपका पहला सेंटेंस होगा उसके बाद आप देंगे फुल स्टॉप, और दूसरे सेंटेंस के लास्ट में भी आप देंगे फुल स्टॉप। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मेरा जो पहला सेंटेंस है आर टीम लॉस्ट, इसके बाद मैंने दिया है फुल स्टॉप। ये बात काफी जरूरी है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लर्नर यहाँ कॉमा दे देते हैं, जिनके वजह से उनके सेंटेंसेस गलत हो जाता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपको कहना हो वह आदमी आलसी और मतलबी है, इसके बावजूद भी वह जानवरों पर रहम करता है, या वह जानवरों पर दया करता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट मैन इज लेजी एंड सेल्फिश ही इज काइंड टू एनिमल्स दो, यानी वह आदमी आलसी और मतलबी है, इसके बावजूद भी वह जानवरों पर रहम करता है या वह जानवरों पर मेहरबान रहता है,
यहाँ मैंने दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में किया। और चूंकि मैंने दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में किया, इसलिए जो मेरा पहला सेंटेंस खत्म हुआ वहाँ मैंने दिया फुल स्टॉप, और दूसरे सेंटेंस के आखिर में मैंने दिया फुल स्टॉप, यानी ये दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप पर होंगे। आइए अब देखें दो का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में कैसे करना है। जब दो का इस्तेमाल दो सेंटेंस के बीच में होता है तो इसका मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद भी। और यहाँ दो का इस्तेमाल एक कंजंक्शन के जैसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो, आमतौर पर मैं चाय नहीं पीता हूँ, फिर भी मैंने आज दो कप पी लिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नॉर्मली आई डू नॉट टेक टी, दो आई हैव टेकन टू कप्स टुडे। यानी आमतौर पर मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज दो कप पी लिया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस के बीच मैंने लिखा है दो, जिसका मतलब हुआ फिर भी या इसके बावजूद भी। अगला एग्जांपल है, मल्टा इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड, मल्टा एक बहुत छोटा द्वीप है। दो, इट्स हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड, फिर भी इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस के बीच में मैंने बोला दो, जिसका मतलब हुआ फिर भी या इसके बावजूद भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने तीन कंसेप्ट समझा कि आप दो का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू कर सकते हैं, जो कि आल्दो के जगह पर किया जाता है। आप दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं, और आप दो का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, जो कि एक कंजंक्शन होता है और जिसका मतलब होता है हालांकि या फिर भी। आइए अब सीख लें कि एज दो क्या है। एज दो का मतलब होता है मानो, यानी कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां आप कहते हैं वह बोलता है मानो वह शाहरुख हो, या वह मुझे हुक्म देती है मानो वह मेरी बॉस हो, वह गाता है मानो वह एक बहुत बड़ा सिंगर हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस जहां आप कहते हैं मानो को बोलने के लिए आप कहते हैं एज दो। जैसे वह बोलती है मानो वह कटरीना हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे She speaks as though she were Katrina, यानी वह बोलती है मानो वह कटरीना हो। हो सकता है आप सोचें कि मैंने दूसरे सेंटेंस में वर का इस्तेमाल क्यों किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा ये है इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी ये है काल्पनिक सेंटेंसेस, और काल्पनिक सेंटेंसेस में हम वर का इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक पर पहले ही मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने आई के सिंबल में वो वीडियो रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको कहना हो वह मुझे हुक्म देता है मानो वह मेरा बॉस हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He orders me as though he were my boss, यानी वह मुझे हुक्म देता है मानो वह मेरा बॉस हो। अगर आपको कहना हो वह गाता है मानो वह एक सिंगर हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He sings as though he were a singer, यानी वह गाता है मानो वह एक सिंगर हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये दो वाला लेसन आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। मैं उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, तुम उस लड़की के चक्कर में पड़ते हो। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है अंकित रावत। आपने बोला कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें, जहां हम कहते हैं किसी के चक्कर में पड़ जाना, या किसी के झांसे में आ जाना, या किसी के बहकावे में पड़ जाना। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो, जैसे मैं उसके चक्कर में पड़ गया, या मैं उसके झांसे में आ गया, या मैं उसके बहकावे में आ गया, आपको उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको उस लड़की के झांसे में नहीं आना चाहिए, आपको उस लड़की के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे गेट इन टू वंस हुक्स। लगता है आप समझे नहीं, आइए इसे डिटेल से समझें। गेट इन टू माई हुक्स का मतलब होता है मेरे चक्कर में फंस जाना, या मेरे बहकावे में आ जाना, या मेरे झांसे में आ जाना। गेट इन टू योर हुक्स का मतलब होता है तुम्हारे बहकावे में आ जाना, या तुम्हारे झांसे में आ जाना, या तुम्हारे चक्कर में पड़ जाना। गेट इन टू हर हुक्स यानी उसकी चक्कर में पड़ जाना, या उसके बहकावे में आ जाना, या उसके झांसे में आ जाना। गेट इन टू देयर हुक्स यानी उन लोगों के चक्कर में पड़ना, या उन लोगों के झांसे में आना, या उन लोगों के बहकावे में आना। जैसे अगर आपको कहना हो कि आप उस लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, या आप उस लड़की के झांसे में आते हैं, या आप उस लड़की के बहकावे में आते हैं। यू गेट इन टू दैट गर्ल्स हुक्स यानी आप उस लड़की के झांसे में आते हैं, या उसके चक्कर में पड़ते हैं।
मैं उस लड़की के झांसे में नहीं आता हूँ, या मैं उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, या मैं उस लड़की के बहकावे में नहीं आता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट गेट इनटू दैट गर्ल्स हुक्स, यानी मैं उस लड़की के झांसे में नहीं आता हूँ, बहकावे में नहीं आता हूँ, या उसके चक्कर में नहीं आता हूँ। मैं उसकी चक्कर में आ गया, आई गॉट इनटू हर हुक्स, यानी मैं उसकी चक्कर में आ गया। मैं उन लोगों के बहकावे में आ गया, या मैं उन लोगों के झांसे में आ गया, या मैं उन लोगों के चक्कर में आ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट इन टू देयर हुक्स, यानी मैं उन लोगों के झांसे में आ गया या धोखे में आ गया। अगर आपको कहना हो कि मैं उन लोगों के झांसे में नहीं आया या उन लोगों के चक्कर में नहीं आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डिडंट गेट इनटू देयर हुक्स, यानी मैं उन लोगों के झांसे में नहीं आया या उन लोगों के चक्कर में नहीं आया। अगर आपको कहना हो कि आपको उस लड़की के चक्कर में नहीं आना चाहिए या उसके झांसे में नहीं आना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड नॉट गेट इनटू दैट गर्ल्स हुक्स, यानी आपको उस लड़की के चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी इंसान के चक्कर में आ जाना, यानी किसी इंसान के धोखे में आ जाना, किसी इंसान के बहकावे में आ जाना, या किसी इंसान के झांसे में आ जाने के लिए आप कहेंगे गेट इंटू माई हुक्स, गेट इंटू योर हुक्स, गेट इंटू हर हुक्स, गेट इंटू हिज हुक्स, गेट इंटू देयर हुक्स, गेट इंटू आर हुक्स। यहाँ मैं बता दूं कि मैंने कुछ सेंटेंसेस में गॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट में था, और जब इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में बोलेंगे तो आप गेट के जगह पर बोलेंगे गॉट। हो सकता है कि आप सोचे कि इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर में बोलने के लिए आप कहेंगे विल गेट इनटू, जैसे मैं तुम्हारी चक्कर में नहीं आऊंगा, या मैं तुम्हारी चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी बहकावे में नहीं आऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I will not get into your hooks, यानी मैं आपके बहकावे में नहीं आऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे साइको टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।